नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खुर्शीद की किताब पर बवाल। जी हां, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की लिखी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया और आज उनके खिलाफ किताब को लेकर शिकायत की गई है। दरअसल सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में आपको बता दें, विवेक गर्म नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। वहीं इसकी वजह पूछे जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत उच्च स्तर का धर्म है और उसके लिए गांधी जी ने जो प्रेरणा दी, इससे बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। कोई नया लेवल लगा ले तो उसे मैं क्या मानूं, कोई हिंदू धर्म का अपमान करे तो भी मैं बोलूंगा। मैंने ये कहा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले गलत हैं और आईएसआई भी गलत है। तो ऐसे में आपको बता दें, कल सलमान खुर्शीद की किताब का विमोचन हुआ था, जिस पर अब सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से बीजेपी कांग्रेस को और सलमान खुर्शीद को आड़े हाथों ले रही है। ऐसे में आपको बता दें, सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर द अयोध्या नाम रखा गया है और ऐसे में अब इस पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। तमाम बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किया है और ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद के आरोप हैं उन पर। ऐसे में आज दिल्ली पुलिस में शिकायत जो की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना की है। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने कि जिस किताब को लेकर जो विवाद हुआ है, उस पर सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैंने किताब में राम मंदिर के फैसले का समर्थन किया है, इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से करने पर उन्होंने कहा कि क्यों बोको हरम को बुरा नहीं कहना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा मैंने कहा। अपनी पूरी किताब में 300 पेजों में मैंने अच्छा ही कहा, लेकिन एक जगह जो बुरा लगा उसके बारे में लिख दिया। उन्होंने ये तक कहा कि पहले अपना धर्म समझो, सनातन धर्म को समझो, गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलो। तो आपको बता दें, अब पूरा सियासी बवाल सलमान खुर्शीद की किताब पर मचा हुआ है। तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर ये शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री नकवी ने भी ट्वीट कर सलमान खुर्शीद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर लिखा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस की पाठशाला ही ऐसी है, ऐसी बेवकूफी भरी बातों का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सलमान खुर्शीद पर आरोप ये है कि उन्होंने अपनी किताब में जो लिखे हैं, लिखी बातें हैं, और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना की है। ये आरोप जो है वो उन पर लगा है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है गौरव मिश्रा जी से, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, सलमान खुर्शीद पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से की है और इसीलिए अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। और ऐसे में ट्वीट जो है लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विवाद के बाद खुर्शीद ने कहा कि मैंने किताब में राम मंदिर के फैसले का
समर्थन किया है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करने पर उन्होंने कहा कि क्यों बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो कहा। इसी पर आपको बता दें, अमित मालविया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हम उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी पार्टी ने सिर्फ इस्लामिक जिहाद के साथ समानता लाने के लिए मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। गौरव जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, शायद कुछ टेक्निकल इशू है जिसको सही करने की कोशिश करेंगे, गौरव मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। दरअसल किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने ये बातें लिखी हैं। एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बताइए गौरव जी, सलमान खुर्शीद की जो ये किताब आई है सनराइज ओवर अयोध्या, इसमें जो अब ये बवाल हो रहा है, जो उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस जैसे और बोको हराम जैसे संगठन से कर दी है, बीजेपी लगातार हमलावर है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद की नर्सरी से, उसी के विचारधारा से हमलावित और पोषित रही है हमेशा से, और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने का कुत्सित प्रयास दिग्विजय सिंह ने भी किया था, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, और उनका जनता ने क्या हश्र किया भोपाल में, ये आंख के सामने बिल्कुल साफ है, छुपा हुआ नहीं है। वो चुनावों में हार गए, आज उनकी कहीं पूछ नहीं है। और दरअसल ये हिंदुत्व को बार बार आतंकवाद से जोड़ने का ये जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको और रसातल में ले जाएगा, और इनकी नैतिकता पूरी की पूरी मर चुकी है, क्योंकि हिंदुत्व की ये परिभाषा कभी जानी ही नहीं, जो पूरे देश में स्लीपर सेल का पूरा जाल फैला दिया हो, पूरे देश में विस्फोटों का एक साम्राज्य स्थापित करवा दिया हो, उसी मुंबई में जब आतंकी हमले हुए आतंकियों के द्वारा, और ऑन रिकॉर्ड मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम पाकिस्तान से बदला लेने जैसी कार्रवाई करते तो देश के मुसलमान हमसे नाराज हो जाते, ऐसा उन्होंने बराक ओबामा से कहा, और बराक ओबामा ने अपनी किताब में इसका उदाहरण भी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद के प्रति इनका कितना नरम रुख रहा है, और कहीं ना कहीं इनके राजनीति का वो टूल रहा, एजेंडा रहा है, और इसके हिंदुत्व को भी उसी पाप के कटघरे में खड़ा करने का ये प्रयास करते हैं, इसीलिए जनता इनको इतने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसका जवाब तो जनता स्वयं देगी। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, वो देखने इसके परिणाम बता देंगे किस तरीके से जनता तमाशा मारती है उनके इन प्रयासों। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, लेकिन देखिए, ये जो किताब कल इसका विमोचन हुआ, अब इस पर ये इतना बवाल मचा हुआ है, बीजेपी लगातार ट्वीट पर ट्वीट तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, हमलावर है बीजेपी पूरी तरह से। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो है समय मतलब गलत था, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है, उन्हें ये पता है, वो अपने एजेंडे में बहुत क्लियर हैं, उन्हें ये मालूम है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करता रहा है, और उसको कहीं ना कहीं भ्रम में डाल करके बदलाया गया है 70 वर्षों की राजनीति में, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार की है, और वो है तुष्टिकरण का, और तुष्टिकरण के आधार पर ही इन लोगों ने सियासत को अब तक किया है, और उसको ये जिंदा रखना चाहते हैं। और जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकारों ने सबका साथ सबका विकास और सबके विकास के मंत्र को जमीन तक धरातल तक पहुंचाया है, ये इनके सबसे बड़े भय का कारण है, क्योंकि विकास की सुगंध सब घरों तक पहुंची है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंची है। तो एक बार फिर ये समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना चाहते हैं, देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, झूठे छात्र झूठे किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है कि किसी न किसी प्रकार से
देश की शांति व्यवस्था को खराब ठीक खरा है गौरव जी, गौरव जी ठीक है गौरव जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा जवाब ले लेते हैं। जी अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम। अभिमन्यु जी, सलमान खुर्शीद की एक किताब आई है, आपका सीधा सा मैं जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस की तरफ से कहना है इस किताब को लेकर? मैडम बात यह है, जो आदमी किताब लिखते हैं वो क्या परिस्थितियां देख के लिख रहे हैं, वो अपने विचार लिख रहे हैं, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता है। जी। किताब कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक किताब तो है नहीं ना, वो अभी हम लोगों ने किसी ने पढ़ी है जी, वो उसमें क्या लिख रहे हैं उसमें पार्टी का कहीं कोई मतलब नहीं, नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की ठीक है। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, आपने भले किताब नहीं पढ़ी हो लेकिन आपको ये तो पता होगा कि किस बात पर ये विवाद हो रहा है। वो हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी में आ रहा है अलग अलग सूत्रों के अनुसार, मीडिया के उससे हमें जानकारी तो मिल रही है जी, लेकिन अभी चलिए ठीक है। ठीक है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी ठीक है, आप एक बात बता दीजिए, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी, कांग्रेस का उनके उस किताब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हिंदुत्व की तुलना एक आतंकवादी संगठन से करना सही है? देखिए मैडम, ना तो हमने अभी किताब पढ़ी है। नहीं ठीक है, आपने अभिमन्यु जी, आपने किताब नहीं पढ़ी, किताब है अभिमन्यु जी, क्या लिख दें वो उनके अपने विचार है, अगर उन्होंने गलत अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी ठीक है, आपने किताब नहीं पढ़ी, मैंने जो सवाल किया बस आप उसका जवाब दे दीजिए, क्या हिंदुत्व की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करना सही है? व्यक्तिगत रूप पर आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप किताब भूल जाइए। हाँ व्यक्तिगत ही हम अपनी राय दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है अगर कोई इस तरह से बातों को लिखता है, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल किया है जी, किसी आतंकवादी संगठन का और किसी धर्म का आपस में ताल्लुक नहीं है, बोको हराम सारे इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मुस्लिमों का वो प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है, तो यहाँ हिंदू के लिए उनका कंपेयर भी नहीं बनता, जब मुसलमानों के लिए भी उनका कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। गौरव जी, गौरव जी आप सुन रहे हैं अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, गौरव जी आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अभिमन्यु जी? इनकी आवाज तो मुझे नहीं स्पष्ट हो पा रही है, क्या कह रहे हैं थोड़ा आप स्पष्ट कर दीजिए तो मैं जवाब दे दूंगा। देखिए ये कह रहे हैं कि तुलना करना ठीक नहीं है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने अभी किताब पढ़ी ही नहीं है, और ना पार्टी का इस तरह से जो उन्होंने लिखा सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं ये तो पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की, जब कोई नेता ऐसा बयान देता है तो पल्ला झाड़ लेती है पार्टी, ये उनका निजी बयान है तो पार्टी से निकाल दीजिए, उन्हें निष्कासित कर दीजिए अगर आपकी क्षमता है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो आज तक ये सीरीज रुकी नहीं है, अभी भी देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहां पर पायलट जी राजस्थान के अंदर में, तमाम बड़े नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया, और इस तरह के अगर बयान देंगे तो मुझे लगता है कि बाजार में अकेले खड़े दिखाई देंगे सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता या सोनिया गांधी का परिवार, तो जनता का इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रह गया है, और ये सभी चुनावों में अभिमन्यु जी जवाब देंगे क्या आप कुछ? जी मुझे बहुत साफ तो सुनाई नहीं दे रहा है मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, किताब लिखी, किताब में उन्होंने क्या लिखा, हिंदू लिखा मुसलमान लिखा, उस पिच पे खेल लिया भारतीय जनता पार्टी, ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन आज जो मुद्दा है 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का है, टैनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं नहीं ठीक है, दोषी माना जा रहा है अभिमन्यु जी, ठीक है वो मुद्दा अलग है, उस पर चर्चा अलग होती है, अभी की जो विचारधारा है क्या पता उस विचारधारा को ध्यान में रख के कुछ लिख दिया हो इधर उधर उन्होंने, क्योंकि गोडसे जो देश का पहला आतंकी माना जाता है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। अभिमन्यु जी आप तो इसे बहुत ही लाइटली वे में ले रहे हैं कि हो सकता है ये सोच समझ कर लिख दिया हो। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक किताब लिखी नहीं है ना, उन्होंने हमारे नेताओं को माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी जानकारी में भी किताबों में उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है किस संदर्भ में लिखा है क्यों लिखा है कहीं कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भला क्या कहेगी, वो उनका अपना निजी मत है। अब सलमान खुर्शीद साहब या अन्य कोई
कहां आ रहा है, नहीं कहां ये जा रहा है, अभिमन्यु जी, गांधी अभिमन्यु जा रहा जी, है, ये निजी अमेरिका मामला जा रहा है, कैसे हो उससे सकता पीपल्स है? पार्टी का आप क्या मतलब है, आप मैं उनको इतनी इज्जत बड़ी एक बताऊंगा? धर्म को लेकर, एक विशेष धर्म को लेकर आप इतनी बड़ी बात लिख दें और वो पब्लिक फोरम में आ जाए तो आप उसे कैसे एक निजी मामला कह सकते कांग्रेस हैं? पार्टी कभी भी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जी, विचारधारा तो की पार्टी है, तो फिर क्यों बांटा जाता है, फिर क्यों बांटा जाता है? ठीक है, अगर चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे हमारे घर का कोई आदमी हो, वो समाज में विघटन पैदा करने की बात कहेगा तो वो गलत है। कांग्रेस पार्टी इस चीज का पूर्ण तौर पर विरोध करती है। और चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उम्मीद है कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ लिखा है अपनी किताब में उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका भी, गौरव मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में अब सलमान खुर्शीद की किताब पर अब सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। आपको बता दें उनकी किताब बुधवार को उनकी किताब का विमोचन किया गया और उनके खिलाफ किताब को लेकर आज शिकायत भी की गई है। सलमान खुर्शीद पर दरअसल आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की बात से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये पूरी की पूरी शिकायत दर्ज की गई है, जिस पर अब ये सियासी बवाल भी मचता हुआ पूरी तरह से नजर आ